ये बहू है जो सात भाई का सबसे बड़ा बहू है, वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो भी नहीं, जो कहानी का जो मेन कहानी है, का जो है जो सात भुवन बहन भाई का है, बहन है तो भाई है, वो सबसे लाडली था, सबसे प्यारी था, वो आकर झूला झूल रहे हैं। तो ये है हमारा थीम। मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि आप लोग को सबको समझ में आ जाए। ये तो सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक फोक प्लेयर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये संबलपुरी का कल्चर है, ये उड़ीसा का ऐतिहासिक है, यहाँ का कला है, यहाँ का संस्कृति है। व्यापारी लोग जो सात समुद्र मसीह पार करके जाभा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कहाँ कहाँ नहीं गए, कंबोडिया, फंबोडिया सब कुछ जाकर व्यापार करते थे। तो उड़ीसा एक धनशाली राष्ट्र था, धनशाली राज्य था, वीर का, शक्ति का प्रतीक था। तो अभी तक देख सकते थे साड़ी, ड्रेस मटेरियल वगैरह वगैरह। मैं आज आपको दिखाऊंगा संबलपुरी बेडशीट, एक जिसका दाम है 40,000 रुपया। सचमुच 40,000 रुपया है बेडशीट? हाँ। है? इसमें क्या है? मैं कहानी बेस्ड थीम डाला गया है सर। हाँ हाँ, उसी के बेस पर वो चित्र बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। अगर हम आपको खोल के दिखाएंगे तो आप देखने के बाद जानेंगे कि उसका सुंदरता क्या है और वो किस कहानी के ऊपर बेस्ड है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने के लिए। क्या निर्मला, हिंदी अच्छा बोलता हूँ? अच्छा बोल सकता हूँ? हाँ। तो हिंदी में शुरू करें? तो आप लोग तो जानते होंगे, ये है निर्मला, हमारा मेहर स्वेप का जो है असिस्टेंट है, और ये है रेशमा, नहीं क्या, और ये हमारा मनोसा, मनोसा जो कि आपको उनको बहुत बार देखे होंगे संबलपुरी पुराना वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाएंगे वॉल हैंगिंग और बेडशीट। वीडियो को आखिरी तक देखिए। 40,000 का एक वेबसाइट, ये आपको मेहर वेब से देखेंगे, एक बेडशीट देखेंगे, उसका काम के बारे में देखेंगे। और ये वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, और चलते हैं आगे, चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं हम एक नया चीज, ठीक है। तो ये संबलपुरी चीज जो है, ये बेडशीट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें डबल बेडशीट सब कुछ है ना, सिंगल बेडशीट है? डबल भी है, सिंगल भी है। ये सब संबलपुरी का बेडशीट जिसको हाथ में बनाया हुआ है। और ये है वॉल हैंगिंग, ये सब देख रहे हैं, इसको आपको अपने दीवार पर लगा सकते हैं। ये बहुत कम दाम में है जो जिसको आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा आपको। ये देखिए कितना बड़ा वॉल हैंगिंग है जिसको वो बाइंडिंग करके रख दिया है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो देख रहे हैं आप ऑर्डर दीजिए तो उनको बताएं कि श्यामदास लाइव से देखा है, तो आपको जरूर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर दुकान में भी आते हैं तो बता दीजिए कि श्यामदास लाइव देख कर आए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या करें, जो 40,000 रुपया का बेडशीट है, कौन सा बेडशीट, उसको ये 40,000 रुपया का बेडशीट वो हिटा रहा है, हिटाओ पूरा, देखेंगे इधर इधर बोलकर देखो, हाँ इधर ले आओ। ये 40,000 रुपया का बेडशीट आप देखने शुरू कर रहे हैं, 40,000 रुपया का बेडशीट देखो। ये कॉटन का है, पूरा प्योर कॉटन है, हाथ का तैयारी है। 40,000 रुपया का बेडशीट है, उसमें डिस्काउंट देंगे। ये क्यों 40,000 रुपया है आप हमको बताएंगे, और हम भी आपको बताएंगे, उसको डिटेल देखेंगे। पहले थोड़ा देख लीजिए, ये बेडशीट का कॉस्ट है 40,000 रुपया, उसके बाद पड़ेगा आपको डिस्काउंट। ये एक उड़ीसा का बहुत पुराना फोक टेल है, तो कोई उसका ऊपर बेस है, और ये चीज़ को हमको दिखाएंगे। ये बेडशीट बनाने के लिए उनको 6 महीना 7 महीना का परिश्रम है, और ये बनाएंगे। ये बेडशीट है 40,000, उसका साइज क्या है? 7.5 फुट बाई 9 फुट का बेडशीट है। ये बेडशीट आप बेडशीट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। चलिए बेडशीट को आगे देखेंगे, बेडशीट को थोड़ा नीचे बिछा दीजिए। तो कौन सा पहला? हाँ बस बस बस, नीचे बिछा दीजिए पूरा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेडशीट,
संबलपुर एक बहुत हाईली कल्चर्ड जगह है। संबलपुर में आपको वर्ल्ड फेमस हाथ का बुनाई साड़ी, पाटा साड़ी, ड्रेस मटेरियल सब कुछ मिलेगा, जिसको संबलपुर में उसको संबलपुरी साड़ी, संबलपुरी पाटा साड़ी, संबलपुरी बांधवकला का साड़ी बोलते हैं। ये सारा दुनिया में फेमस है और वही जगह में आपको दिखा रहा हूँ। ये मेहर वेब्स है, मेहर वेब्स फार्म रोड संबलपुर बिग बाजार का सामने में है। ये तो सब साड़ी, ड्रेस मटेरियल सब कुछ रखते हैं, साथ फाट सब कुछ रखते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बेडशीट दिखा रहा हूँ जिसका दाम है 40,000 रुपया। ये एक थीम में है, जो थीम है उड़ीसा का एकदम फेमस फोक टेल है, जिसका नाम बोलते हैं खुदुरुकुनी पूजा करते हैं। हमारा यहाँ जो उड़िया लोग हैं उनको सबको पता है। आपको एक बता देता हूँ, उड़ीसा बहुत पहले बहुत से एडवांस जगह है और ये बहुत धनशाली जगह था। तो उड़िया का जो बिजनेसमैन है उनको हम साधक बोलते हैं, वो लोग विदेश जाकर समुद्र की तरफ से व्यापार करते थे, तो उनका ऊपर थीम है ये सब चीज़। जो उड़ीसा का है उनको वो स्टोरी मालूम है, लेकिन जो बाहर से है तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ। ये आप देख लिए बेडशीट। उसके बाद देखिए, ये है उसका कहानी का शुरुआत। ये सब जगह देखिए, ये सब जगह सब चीज़ है, ये कहानी का शुरुआत है। मैं आपको पहले एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम ये बेडशीट का डिटेल मायना करते हैं, आप लोग को समझाता है। और मैं आज हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हिंदी से कुछ मिस्टेक हो जाए तो मेरा क्षमा कर दीजिएगा, और सही है तो बोलिएगा। ये जो थीम है ये उड़ीसा का हर घर घर में वो सब चीज़ को मालूम है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, कुछ जाते हैं, मंदिर के दीवार पर आपको विभिन्न टाइप का डिफरेंट टाइप का कारुकर्ज मिल जाएगा, इसी टाइप का ये थीम है जो उड़ीसा का थीम है, जिसको बोलते हैं टोपई। मैं आपको समझता हूँ कि उड़ीसा का जो साधक है, जो व्यापारी लोग थे, वो बंगोपसागर बंगाल को पार करके जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह जाते थे व्यापार करने के लिए, और उसका थीम पर, उसका एक फैमिली का थीम पर ये चीज़ है। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है। यहाँ जो साधक थे उड़ीसा का, जो साधक थे फैमिली, उनमें 7 भाई थे। वो 7 भाई एक ही साथ समुद्र में जा रहे हैं, उनका बीबियाँ उनको सीएफ करने के लिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं बोईदो बंदाण, हमारा कार्तिक पूर्णिमा होता है ये चीज़ थी। उनमें 7 भाई थे और एक बहन था जिसका नाम था टोपई। ये लोग गए, उसके बाद नेक्स्ट थीम में आए, उसको घर में उनको सीएफ करने के बाद ये घर में आए, घर में आए। ये एक थीम है, ये एक पिक्चर है ना, ठीक है निर्मला? तो ये लोग देख रहे हैं, ये समुद्र में जा रहे हैं, भाई लोग सब चले गए हैं। उसके बाद घर में आकर वो लोग रिलैक्स कर रहे हैं। ये बहू है जो 7 भाई का सबसे बड़ा बहू है, वो रिलैक्स कर रहे हैं। कहानी का जो है, जो 7 भाई का है, बहन है टोपई है, वो सबसे लाडली था, सबसे प्यारी था, वो आकर झूला झूल रहे हैं। उसको उनका गांव का एक वयस्क महिला, जिसको हम यहाँ बुढ़िया बोलते हैं, वो देखा, वो देखकर उसको थोड़ा जलन हुआ। जलन होने के बाद वो क्या, उसका जो बड़ा बहू है, 7 भाई का एक बड़ा बहू है, उसके पास गया और उनको टोपई जो उनका बहन है उनके बारे में बुरा भला कह रहे। तो उसके बाद ये थीम क्या है, ये सब बहू है ना, ये तो हाँ, ये उनको बुरा भला कहा, वो और एक जन को बताया, वो और एक दूसरा को बताया, दूसरा बहू को बताया, सब लोग मिलकर बोले कि ना उनका बहन बहुत प्यारा है, भाई का हमको ख्याल नहीं रखता है, जो चलो उनको हम कुछ बंदोबस्त करते हैं। ये देखिए, ये सब जो चीज़ रहना है उसका बीच बीच में जो भी डिजाइन है,
ये सब चल रहा है बोइट्स का, और कितना फाइन काम है वो देखिए। ये बेडशीट तो है लेकिन आप उसको एक वॉल हैंगिंग की तरफ से भी लगा सकते हैं, ये वॉल हैंगिंग की तरफ से भी लगा सकते हैं, जो आपको घर का एक अगर बड़ा सा हॉल है तो उसमें भी लगा सकते हैं। नहीं तो मैं चलिए देखिए ये आपको बता रहा हूँ, ये जो बहुत लोग उनसे बातचीत किए उसी बीच क्या है कि ये जो बोइट लेकर नाव लेकर जो जहाज लेकर जो गए थे वो दूसरा टाउन में पहुँच गए जाधव सुमित्रा, क्योंकि उड़ीसा बहुत धनशाली राष्ट्र था, यहाँ का वीर था, आपको तो कलिंग का वार मालूम होगा अशोक के साथ, उसी टाइम इतना पॉपुलर था इतना धनशाली था तो बहुत दिन तक इंडिपेंडेंट रहा। और आपको एक बता देता हूँ, इंग्रेजी भी सबसे लास्ट में आखिर में उड़ीसा को कैप्चर कर सकते थे, इंडिया को कैप्चर करने के बाद उड़ीसा को कैप्चर करते, ये बोझ लेकर वो जो उड़िया साधव वो लोग दूसरा जगह गए हैं, उसी बीच फिर जाकर वो बुढ़िया जो बहू को भड़का रहा था वो भड़का रहा है, तो बहू लोग बहू सब क्या किए मिलकर तोपुई को जो उनका लाडली बहन है उनको तकलीफ देना शुरू कर दिए, तो तब तोपुई जो है उसको छेली चराने के लिए जंगल में भेजे, बकरी चराने के लिए, वो बकरी चरा रहा था उसको खाने पीने के कुछ नहीं दे रहे थे और बकरी चरा रहे। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक बकरी गुम हो गया, तो तोपुई बहुत तकलीफ में था, ठीक बोल रहा हूँ ना, जंगल में कहीं खो गई, तो वो तोपुई क्या बोला, मंगला का आराधना किया, जिसको यहाँ हमारा उड़ीसा का लोग उड़ीसा का लड़की सब क्या करते हैं, खुजरी पूरी पूजा करते हैं, वो जो वो कब होता है मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन रविवार को रविवार, चार रविवार पांच रविवार यहाँ का लड़की उड़ीसा का लड़की सब मंगला को पूजा करते हैं, उसको खुजरी कुनी बोलते हैं, वो पूजा कर रहे हैं मंगला को, वो तोपुई पूजा किया, पूजा करने के बाद उनको बकरी मिल गया, बकरी मिलने गए और जंगल में बैठा था घर को जा नहीं रहा था, उसी बीच क्या हुआ, ये जो सात भाई जाए गए थे वो लोग सब रिटर्न आ गए, रिटर्न आकर एक भाई ने क्या हुआ, चलते चलते जंगल के रास्ते से अकेला आ रहा था, तो यहाँ उसी टाइम तो उनको कुछ खबर देने का माध्यम नहीं था, तो वो आ रहा था जंगल में, तो देखा उनका बहन जंगल में रो रहा है, तो उनको देखा, उनको देखकर फिर ले गया नाव को, क्योंकि नाव में सब भाई लोग थे, हमारे यहाँ प्रथा था कहीं जाने के लिए तो उसको बंदा ना करना पड़ता है, पूजा पूजा करते हैं, आने के टाइम में भी पूजा करते हैं, वो भाई को और बहन को लेकर चला गया नाव में, नाव में लेकर उनको देखा, उसके भाई भाई सब सब उसके से स्टोरी सुन ले, तो उन सब ने पता खबर दिया उनको घर को कि हम लोग आ गए, वो जो सात बहू थे जो भाई को बहन थे बीबियाँ थे वो सब आए, आकर नाव में पूजा करने के लिए बैठे, तो भाई ने बोला उस टाइम क्या हुआ है, ये जो नाव में एक देवता रखते हैं नाव के सामने, तो भाई लोग ने क्या किया, वो देवी का तरफ से, यहाँ देखिए जो देवी, ये जो देवी बैठते हैं नाव के सामने में उसको में वहाँ में खुजरी कुनी जो तोपुई को बैठा दिया, वो बहु लोग आए वो तोपुई को पूजा करने के लिए गए, तोपुई नहीं जानते थे उन लोग को, मंगला समझे कर पूजा देवी समझ कर उनको पूजा करने के लिए, तो देखा कि खुद मैंने तोपुई उधर है, तो फिर उन सबको पता चल गया, पता चलने के बाद वो जो उनको पनिशमेंट के तरफ से बहु लोग को कुछ दंड दिया, बोलते हैं कि उनका नाक का मकांडा काट लिया, तो उसके बाद तो कोई को शादी हुआ और ये सब लोग आराम से रहने लगे। तो ये है थीम, ये थीम उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है, यहाँ का घर घर में वो उसका लोकगीत है, जैसे कि कोई भी उड़ीसा का आदमी को आप बच्चा बच्चा ले जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा। तो ये है हमारा एक थीम, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने के लिए क्योंकि आप लोग को सबको समझ में आ जाए, ये तो सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक फोक प्लेयर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये संबलपुरी का कल्चर है, ये उड़ीसा का ऐतिहास है, यहाँ का कला है, यहाँ का संस्कृति है, ना क्या निर्मला,
तो आप लोग को इसे चीज बेचने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज का दाम एक ये बनाने के लिए 4-5 तो कारीगर आर्टिस्ट उनको बहुत मेहनत से बहुत टीम से किया है। तो ये संबलपुर टाउन में जहाँ बनाई होता है वहाँ इसका कॉस्ट है 40,000 रुपया। तो ये बाहर जाता है तो 70,000-80,000-1,00,000 रुपया तक बिक्री होता है। तो आप लोग को मैं एक झलक दिखाया हूँ, तो ये 40,000 रुपया का, और बीच में एक बड़ा सा मैंने आर्ट वर्क है। और ये बेडशीट को आप एक बेड में लगाएंगे तो आपको एक थोड़ा इमेजिन कीजिए आपका घर का कैसा लगेगा। और बीच का देख लीजिए, ये साथ बहू है जो कि बोई तो मतलब जहाज व नाव कुछ भी बोलिए, उनसे सामान लेकर आते थे उड़ीसा का व्यापारी लोग जो सात समुद्र सी पार करके जाभा सुमात्रा इंडोनेशिया कहाँ कहाँ नहीं गए, कंबोडिया सब कुछ जाकर व्यापार करते थे। तो उड़ीसा एक धनशाली राष्ट्र था, धनशाली राज्य था, वीर का शक्ति का प्रतीक था। तो ये है संबलपुरी का उनका ट्रिब्यूट, मैंने एक झलक है रिगार्ड्स है, और संबलपुरी में ये सब चीज़ दिखाया है। तो ये एक बेडशीट है जिसको आप वॉल हैंगिंग भी कर सकते हैं और आपका घर को दिखा सकते हैं। अभी तक आपने संबलपुरी का साड़ी ड्रेस मटेरियल देखे हैं तो आपको नया चीज़ दिखा रहा हूँ। और देखिए वीडियो को आगे तक सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट जो वीडियो दिखा रहे हैं उस वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप का बेडशीट दिखाएंगे और जिसका दाम 2,000 से लेकर 5,000-10,000 तक आएगा। ये सब मैंने सिंपल बेडशीट है, उसमें आपको हम दिखाएंगे वॉल हैंगिंग दिखाएंगे जो 1,000-1,200 में आपको ऐसे फ्रेम वाला मिल जाएगा। और ये देखिए एक वॉल हैंगिंग जिसको आपको 6,000-7,000 रुपया करीब पड़ेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और हमारा साथ जुड़ी रहिए ना। कौन बाबू, हाँ हिंदी चलेगा मेरा है? लोग हंसेंगे तो नहीं ना? नहीं हंसेंगे, ठीक है मेरा हिंदी अच्छा। तो हिंदी में आपको दिखाने की कोशिश हमारा ये पहला है और नया चीज हमको आपको दिखा रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, ये मेहर स्वेप फार्म रोड इन फ्रंट ऑफ बिग बाजार संबलपुर, स्क्रीन का ऊपर फोन है, फोन नंबर है, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, धन्यवाद।